Yeah.
शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
बलम कृष्ण सर्वे संतु निर्भया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् भावने हरिओं शांति 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 ओम कहो इसलिए भगवान कृष्ण की भगवत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय ओम सनौ अवतु सनौ भुनक्तु सेवीर्यो सर्वाः तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषाः हरिओं शांति 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 ओम प्रभो ब्रह्म विद्या गीता भगवती की गीता मत की सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदाई अजी अवतारी दाता भगवान कृष्ण की मालिके कुल भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की भक्तों के शहंशाह भगवान कृष्ण की गीता के लिखारी महर्षि वेदव्यास महाराज सदाई जय। सुनो दर बदर टो करे खाने वालो कृष्ण जी के दर पे मुकदर बना लो सुनो दर बदर टो करे खाने वालो कृष्ण जी के दर पे मुकदर बना लो ये क्या देगा तुमको भिखारी जमाना भराने मतों से इनका खजाना आओ झोलियां अपनी अपनी भरा लो सुनो दर बदर टो करे खाने वालो कृष्ण जी के दर पे मुकदर बना लो इन्हें मानती है ये सारी खुदाई करोड़ों की बिगड़ी इन्होंने बनाई भरोसा न हो तो इन्हें आजमा लो सुनो दर बदर टो करे खाने वालो कृष्ण जी के दर पे मुकदर बना लो सुनो दर बदर टो करे खाने वालो सुनो दर बदर टो करे खाने वालो
को मिला कर प्रभु जी की सूरत को मन में बिठा कर इन्हीं प्यार से जब भी चाहो बुला लो जाओ अदिया जी ने प्यार से जब भी चाहो बुला लो सुनो दर बदर टो करे खाने वालो कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो अगर जज्बा दिल है कामिल तुम्हारा जहो यकीन तुम्हें हो नजारा अगर जज्बा दिल है कामिल तुम्हारा यकीन तुम्हें होगा इनका नजारा जरा दीद के खुद को काबिल बना लो जरा दीद ओ भाइयों जरा दीद के खुद को काबिल बना लो सुनो दर बदल टो करे खाने वालो पिछल जी के दर पे मुकद्दर बना लो रहे जी न प्रेमी ओ तेरी दिल दगानी रहेगी न प्रेमी ओ तेरी दिल दगाने अरे गुजर जाएगी जैसे नदिया का पानी आओ चार दिन कृष्ण भक्ति कमा लो जाओ जाओ प्रभु जाओ आओ चार दिन कृष्ण भक्ति कमा लो ओ सुनो दर बदर जो करें खाने वालो ओ सुनो दर बदर जो करें खाने वालो कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो
कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो, ओ सुनो दर बदल जो करे खान वालो, ओ सुनो दर बदल जो करे खान वालो, जाओ जाओ कृष्ण जी के दर पे मुकद्दर बना लो, प्रातः स्मरणीय भगवान कृष्ण की, प्रातः वंदनीय इष्ट देव भगवान कृष्ण की, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ॐ सनौ आवतु सनौ भुनक्तु से वीर्यं कर्वा ते जपिनौ अधीतमस्तु मा विद्विषाः। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। यहाँ पर मेरे बुजुर्ग को मेरे भाई को बताओ मेरे क्या क्रीड़ा कल्याण का कारण जो मन में बताई। सर्व सर्वेश भूतेषु सर्वम सर्वेश भूतेषु नाना प्रकार के प्राणी, यहाँ पर हम देखते हैं नाना प्रकार के प्राणी हमारी आंखों के सामने है। हम देख रही है ये पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, देव वर्ग, दैत्य वर्ग इत्यादि नाना प्रकार के वर्ग है यहाँ पर, और उनमें फिर नाना प्रकार के जीव है, नाना प्रकार के वर्ग, फिर नाना प्रकार के जीव जिनकी सूरत और सीरत एक से एक मिलती, जिनकी आकृति और प्रकृति में बड़ा भारी अंतर स्पष्ट रूप से प्रतीत होता। भगवान कितने देखता है तू मेरे नाना प्रकार के जीव जंतु। ध्यान से सुना आज का प्रसंग, बहुत ही इंकलाबी है ये तेरे अध्याय का। हाँ मेरे सर्वेश्वर, मैं देखता हूँ कि ये नाना प्रकार के प्राणी इस संसार में आपके संसार की जीनत को बढ़ाने वाले, भगवान की संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं। हाँ देख रहा है, हाँ देखता है समम सर्वेषु भूतेषु। हाँ और देख इनकी बुद्धि कितनी काम करती है, मन कितना काम करता है, तन कितना काम करता है। हाँ मेरे परवरदिगार आलम, मैं ये भी देखता हूँ कि सब बुद्धि मन और तन खूब काम कर रहे हैं, जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। लेकिन एक बात है, बुद्धि के इरादे अलग अलग है यार। आप देखती हैं मेरी माताएं बेटियां, सबके मन में विचार एक जैसे नहीं है। आप ही के पेट से बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन एक का विचार एक से नहीं मिलता, चाहे बेटियां हैं चाहे बेटी हैं। एक का विचार है अपने घर में देख लो, एक का विचार एक से नहीं मिलता। वो मन तो रखती है पर समानता नहीं रखते, विषमता रखते हैं। उनके मन में इख्तलाफ है, मुसावी नहीं है, इख्तलाफ है। उनके मन के अंदर बड़ी भिन्नता है, बड़ी डायवर्सिटी है, प्रवृत्ति होते भी वर्णस नहीं है। तो इतना फर्क भारी रूप में दिखती है कर्म। किसी को कोई कर्म अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। वो उसके कर्म पे हंस रहा है तो दूसरा उसके कर्म पे हंस रहा है, तीसरा दोनों पे हंस रहा है और बाकी चौथे पे मजाक कर रहे हैं कि ये क्या बेवकूफ कर्म है। एक दूसरे के कर्म स्वभाव अनुसार दूसरे को अच्छे लगते ही नहीं, एक सारी जिंदगी उस कर्म में गुजार देता है और दूसरा थूकता भी नहीं उस कर्म के ऊपर। ये कोई कर्म है यूं कहकर के उसकी क्या उपेक्षा कर देता है, उसका निरादर कर देता है। शाबाश, इतनी भिन्नता बुद्धि के इरादे में, भिन्नता मन के विचारों में, इख्तलाफ और कर्मों में, इतना ऊंच नीच हम प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं।
आप फिर देखिए एक स्वाद कितना मीठा है और एक खाने को पड़ता है। कोई शीतल प्रसाद आए तो कोई ज्वाला प्रसाद, अपने नाम को चतार्थ कर रहे हैं। कोई इतना विनम्र आए और कोई इतना आकर्ष ही, कितनी उसमें आकड़ है, कितना पैर जमीन पे उसके दिखते ही नहीं है, और तो कितना विनम्र है, कोई कितना सुशील है और कोई कितना कर्कश है, कोई कितना सदाचारी, कोई कितना कदाचारी, कोई कितना शिष्टाचार भी है और कोई कितना भ्रष्टाचारी है। दोनों देखते हैं, सदाचारी भी देखती है, भ्रष्टाचारी भी देखती है। शाबाश, सदाचारी भी देखती है, कदाचारी भी देखती है। शाबाश, मधुर वाणी से काम लेने वाले भी देखती है और जो वाणी से मधुर नहीं कर्कश है स्वभाव में और वाणी में, वो भी हमारी नजरों में आती है। बड़े उदार भी नजर आती है, अंधार भी नजर आती है। कमाल, हजारों लाखों रुपए दान देकर गरीबों की मदद करने वाली नजर आती है और क्या क्या चोर बाजारी करके ठगी करके दूसरों को लूटने वालों के भी आजकल कोई कमी नहीं। ये क्या भगवान ने तत्व विरोधी जी बना दिया, परस्पर विरोधी। एक कैसा है दूसरा कैसा है, एक दान करने को कुछ होता है और एक दूसरे की ठगी करके जीव काटने में कुछ होता है। ये भी नजर आती है इस दुनिया में नाना प्रकार के जीव, और हमें हैरान होती है कि एवरेज से इतनी भिन्नता बुद्धि में, मन में, तन में। भगवान कहते परवाह ना कर, ये तो नजर आती है। एक बेचारा कितना कोमल, नूना नूना सोना सोना हिरन है, सिर्फ घास खाता है, और एक उस पर हमला करके शेर टुकड़े टुकड़े करके उसको खा जाता है। ये धर्म दृश्य देखकर एक बार हमारे घोंसले खड़े होते हैं और भगवान पे जबरदस्त आपत्ति करने का जी चाहता है कि भगवान को रख रख के सुनाए कि दातिया या तो हिरन ही बनाना था, और अगर ऐसे नूने नूने हिरन और खरगोश बनाने थे तो इन पर हमला करने वाले जबरदस्त जीव नहीं बना रहे। ये शेर कोई जीव है, बात बात में मार के रख देता है। हाथी तक भी इसे डरती है, जोर का हाथी पे छलांग मार के उसको चीर देता है। ये चीता सबसे जालिम जीव है चीता। शेर शायद भी छोड़ दे, हो सकता है शेर छोड़ दे, लेकिन चीता तो बड़ी बुरी तरह हालात करता है, मारता है। ये इनको भगवान ने पाठ नहीं पढ़ाया अहिंसा परमो धर्म, इनका एक ही पाठ है कि हिंसा मारो धाड़ो खाओ। और नजर आ रहा है प्रकृति के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी पैर, जिसमें शक्ति ज्यादा है वही दूसरे को दबा करके अपनी खुराक बना रहा है। एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। बड़ा इतराज आता है भगवान पर ये देखते हुए, जीवो जीवस्य भोजनम, जीवो जीवस्य भोजनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। छोटी मछली को बड़ी मछली खाई जा रही है, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली खाई जा रही है, इसको वेल मछलियां खाई जा रही है। कमाल है, संसार में भी देखते हैं गरीबों को अमीर खाए जा रहे हैं, अमीर को गवर्नमेंट खाई जा रही है, गवर्नमेंट को उसके पड़ोसी दुश्मन खाए जा रहे हैं और उसको बम मार के खाए जा रहे हैं। एक को एक, एक को एक, एक को एक खाया जा रहा है। कमाल है, कमाल है, कमाल है, क्या गजब हुआ पड़ा है। सांप बाहर निकला है, हाँ सांप मेंढक को खाया जा रहा है, मेंढक मच्छरों को खाया जा रहा है, और इन तीनों को न्योला लपकता है, इंसानों को खाता है, और इनको जाकर खींच उड़ाता है, ऊपर शिकारी कुत्ता आता है, इंसानों को सरिया उड़ा कर रख देता है। एक का एक दुश्मन, स्पष्ट रूप में देखो, एक का एक दुश्मन इस संसार में क्या बना हुआ है। सर्वेश्वर इष्टे भगवान कृष्ण, ये तेरे संसार में क्या बात रहा है, ये क्या बना हुआ है। एक का एक दुश्मन जाकर सृष्टि तूने बनाई है। भगवान कहते शांत प्रभु, कैसे शांत हो जाओ। या प्रत्यक्ष रूप में देखता हूं, बड़ा अजीब चक्कर है, बड़ा चित्र चक्कर चल रहा है, आप पंग नहीं आते। भगवान तूने क्या करना है, प्रभु मैं तो अपना कल्याण करने के लिए आपसे प्रभु का प्यारा बना हूं, पर आपकी दुनिया में क्षमता देखकर, आपकी दुनिया में स्थिरता देखकर मेरे मन में हलचल मच जाती है। कोई बात नहीं, इधर देख प्रभु क्या, और गौर से देख, सर्वेषु भूतेषु, इन नाना प्रकार के जीवों के अंदर मैं स्वीकार करता हूं भिन्नता है, इरादे अलग अलग है, विचार अलग अलग है, कर्म अलग अलग है, तो प्रकृतियां अलग अलग है, शक्लें अलग अलग है, ये सब ठीक है, इसे परवाह न कर, इनको ना देख। हाँ जरा और गहराई में जा मालिक, और जरा गहरा उतर जा, हाँ और जरा गहरा उतर जा, हाँ मालिक, और मैं देख रहा हूं उनके विचार, मैं देखता हूं उनके इरादे, जरा और पड़े हट जा, मेरे परम वो अनुभव किया भगवान, अनुभव कर रहा हूं। समूतेशु स्थलतम प्रवेश, इन नाना प्रकार के जीवों के अंदर एक ही भगवान की सत्ता काम कर रही है। कल्याणकारी जीवो
हमारा उच्च कोटि का अद्वितीय हिंदू धर्म, जिसकी जान प्राण वेद और गीता है। हिंदू धर्म की जान प्राण वेद और गीता। पुकार पुकार के कह रही है, भिन्नता को ना देख, तुझे भिन्नता से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर एक दुकानदार सिगरेट बेच रहा है या कोई और गंदी मंदी चीज बेच रहा है, नसवार बेच रहा है, जिसे हम पसंद नहीं करते, ना सही, तुम्हें क्या चाहिए, हमें तो खान चाहिए, थैले में डलवाओ और चलते बनो। भगवान कहते हैं, तुझे ये भिन्नता पसंद नहीं है, राग द्वेष काम क्रोध मोह लोभ अहंकार निंदा इत्यादि गंदी मिट्टियों का बोल भरा है, तू ना देख। तो देख ध्यान से, इन हर एक के अंदर चाहे देखने में छोटी सी चींटी है और चाहे देखने में भारी भरकम एक चलता हुआ चट्टान है हाथी, कैसे क्यों है, तो एक परमात्मा की सत्ता से सारे जीव काम कर रहे हैं। लो हमारा भगवान इधर ध्यान अतिष्ठ किए जा रहे हैं कि तुम इन सारे छोटे बड़े प्राणियों में, इस बुरे भले प्राणियों में, इस चंगे मंदे प्राणियों में एक ही सत्ता को देखो, बस और एक को निहारो, तमाम सर्वेषु भूतेषु सर्वम बराबर रूप से। हिंदू धर्म के पुकार है कि आत्माएं अलग अलग न थी, न है, न कभी हो सकती, जो ऐसा सोचती है बड़ी भयंकर भूल कर रही है, क्योंकि शक्ति के कभी टुकड़े नहीं होते बेटी, शक्ति कभी टुकड़े नहीं करवाती, एनर्जी के नेवर भी डिसअपीयर, एनर्जी के नेवर भी डिवाइडेड। भगवान स्पष्ट इसी अध्याय में कहा है, सख्ती उसकी मुश्किल ऐसी शऊर, मगर उसका हर चैनी इच्छा जरूर। ये कभी भी टुकड़े नहीं किए जा सकते, हम खरबूजे की फाड़ियां अलग अलग कर देती है, इससे भगवान के टुकड़े अलग अलग है, और कोई ये नहीं कि कोई टुकड़ा मेरे में कोई टुकड़ा उसमें, हम पार्सल पार्सल भगवान के हैं। लेकर ये कहना पड़ेगा, इनसेपरेबल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑलमाइटी ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, हम इन इनसेपरेबल अभिन्न है। अंश कहना वैसे तो उचित नहीं, और अगर अंश ये कह भी ना रह सके तो अभिन्न है। जैसे कि सूर्य की किरणें क्या सूर्य से जुदा है, कदापि कदापि नहीं, सूर्य से आई है, अपना काम कर रही है, लेकिन है सूर्य के साथ एक में। अगर भगवान को समझना हो जीवों के अंदर, जैसे सूर्य किरणें घर घर में पड़ रही है, गंदे पानी में पड़ती है, अच्छे पानी में भी सूर्य किरणें पड़ती है, एक गरीब के घर में भी किरणें हैं और बोल रहे अभी के घर में भी है, एक कसाई के घर में भी सूर्य किरणें हैं और चोटी के महात्मा के घर में भी वही सूर्य किरणें हैं, लेकिन कसाई के घर में किरणें पड़ने से कोई पंडित नहीं हो जाती किरणें, और एक महात्मा की झोंपड़ी में पड़ने से वो कोई शुद्ध पवित्र नहीं हो जाती, वो बिल्कुल इससे मुबर्रा है। इन सबसे बाला कारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हालांकि सूर्य के तले ही और उसकी रोशनी में को कतर करता है और सूर्य के तले ही कोई बजा भजन करता है, लेकिन आज तक किसी नलायक ने सूर्य के विरुद्ध किसी भी न्याय आले में अभी योग नहीं चलाया, मुकदमा नहीं चला, कहीं तो सूर्य की रोशनी के अंदर ही सब कुछ हुआ, वही इसका जिम्मेवार है, नहीं तो वो तो बात की है, उसका इससे कोई सरकार नहीं। इस तरह एक ही परमात्मा की सत्ता सूर्य की रोशनी के समान हर एक के अंदर बिराजरी है, और मुझे आपको भगवान की आज्ञा हो रही है, तुम इस भिन्नता को ना देखो, तुम अंगूर रूप में देखो कि सबको चलाने वाला कौन, सर्वम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरः। इन नाना प्रकार के प्राणियों के अंदर चाहे इनकी अस्तित्व और प्रकृति कैसी भी है, चाहे इनकी सूरत और सीरत कैसी भी है, हाँ कैसे भी अपीयरेंसेस हो और कैसे भी इंटरनल नेचर क्यों ना हो, हमें इसकी परवाह नहीं करी। भगवान कहते वो देख जो इन सबको चलाने वाले, वो तो एक, जैसे हमारे इसी मंदिर में बिजली के नाना प्रकार के पॉइंट है, छोटे बड़े पॉइंट या अनेक है, लेकिन इसमें करंट तो एक ही काम कर रही है ना, एक ही करंट काम कर रही है। अब ये विचार कर हम शांत हो जाते हैं, इस तरह नाना प्रकार के संसार या सृष्टि के प्राणियों में भगवान की सत्ता तो एक ही है ना। तो भगवान जी कह रहे जैसे बिजली के पॉइंट में हम एक ही करंट को देख कर शांत हो जाते हैं, और इसी तरह नाना प्रकार के प्राणियों में सदाचारी है कदाचारी, चाहे सज्जन है और चाहे दुर्जन है, इनकी परवाह नहीं करनी, परवाह ये करनी है मेरे भगवान इस सब में विराजमान है, मेरे प्रभु में विराजमान है, शाबाश, ऐसा निहार कर अपने आप में टिक जाएगा, अपने आप में शांत कर, संसार से उसका मन उपराम, संसार से उसका मन हट जाता है। हम बाजार में जाते हैं, फल लेके आ जाते हैं, दूध लेके आ जाते हैं, हमें बाजार से मतलब नहीं कि वहां पर जो है बाकरा मांस बिक रहा है या सूर का मांस बिक रहा है, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं कि बकरी का मांस है या सूर का मांस है, हमें तो अपना दूध बाजार से लिया और फल लिए घर में आ गए। इस तरह जहाज में जो कुछ भी हो रहा है, हमें भगवान का परवाह न कर इस बात की, तू ये देख कि सारों के अंदर कौन है,
इनको चलाने वाला कौन है, बुद्धिमान और तन को चलाने वाला कौन, भगवान जी। बस उसको निहार कर देखते हुए संसार से मेरे उपराम कर ले, क्योंकि मेरा और आपका सरोकार भगवान जी से है। जैसे आप जा सत्संग सुनने के बाद आपका मतलब आपने घर में जाना, रास्ते में कुछ टबर खबर जमीन में आया, रास्ते में कोई कुछ कर रहा है, लाइक कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, या कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, हुआ पड़ा, आपको कोई मतलब नहीं। आप अपना रास्ता लेते जाइए और घर में पहुंची भगवान जी क्या कह रहे हैं, तुम्हें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर विषमता है, यहाँ पर एक तालाब है, यहाँ पर काम क्रोध लोग बड़ा हुआ है, हमें परवाह नहीं इस बात की। हमें ये देखना है कि असल सत्ता क्या है जिस द्वारा मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ, भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। ये बार बार निहारी जो भगवान जी हमारा ध्यान खींचते हैं। सजनों और मेरी उपस्थित धार्मिक श्रद्धालु माताओं बेटियों, हमें अपना ध्यान उधर देना है। संसार का चक्कर चलता रहेगा, इसी संसार का चक्कर खत्म नहीं सकता, वो ऐसा चलेगा, पर हमें इससे मतलब कोई, हमने तो जो है पाठ भगवान ने किया हमने तो वो देखना है कि असलियत किसकी है, भगवान की। भाई चाहे किसने पजामा बना रखा है, चाहे किसने कच्छा बना रखा है, चाहे अंडरवियर बना रखा है, चाहे अंगोछा बना रखा है, चाहे मेरी तरह कमला रमला लंबा चौड़ा चौला बना रखा है, हमें इससे कोई मतलब ही कोई। हमें ये देखना है कि बाहर जितने भी कपड़े हैं ये इसके अंदर छिपा हुआ कौन है, सूत सूत। और वाह मेरे भगवान, ओ भगवान आपकी बड़ी कृपा। भगवान जितने कपड़ों को नहीं देखना, कपड़े तो छोटे हैं या बड़े हैं, ये बने हुए किससे हैं, सूत से। इतने संसार के नाना प्रकार के प्राणी वो चला कौन रहा और बने हुए किससे हैं, भगवान से। भगवान चला रहा है और भगवान से ही बने हुए हैं। जो मेरी और आपका जो नजरिया हो वो भगवान वाला बन जाए। भगवत दृष्टि इसे कहती है। यहां वालों की भौतिक दृष्टि, दो शब्द मैं अपनी भाषा के बोल रहा हूं, भौतिक दृष्टि, भौतिक मैंने संसारिक नजर, भगवान कहते ये नजर जीव को तबाह करेगी। भौतिक दृष्टि से ना लोक का रखेगी ना परलोक का, हमें दृष्टि क्या बनानी है, भगवत दृष्टि। जिस दृष्टि से हम अपने भगवान को देखे उसे बोलते हैं भगवत दृष्टि। दो प्रकार की दृष्टियां भी चल, एक तरफ शरीरों को देखने वाली, हाँ, और एक शरीर को चलाने वाली सत्ता को देखने वाली। एक दृष्टि है जो छकड़े को देखती है, हाँ चांदी से मरा हुआ है छकड़ा, बड़ा सुंदर, बड़ा पहिए बड़े अच्छे, और आगे बड़ा बंपू बहुत अच्छा, एक इसी मर जाएंगे, इसमें ये चीजें लदी पड़ी है। और एक देखती है घोड़ा, देखो जो इसको चला रहा है भगा रहा है, कितना बांका घोड़ा है, कितना सुंदर है, रंग कितना लाल है, और कैसा इसका कद है, और कैसा हीन हिनाता है। एक उधर देखेगा भगवान कितने बात, तू जीवों में शक्ति को देख, जीवों के शरीर रूपी छकड़े की ओर निगाह हो। बहुत कमाल का पाठ है, बहुत कमाल का पाठ बच्चे। हम देखें शरीर रूपी छकड़े को चला कौन रहा, शरीर रूपी छकड़े को चलाने वाला कौन, चाहे छकड़ा पर सोना ही क्यों ना मड़ा हुआ हो, कोई मैं नहीं रखता। अगर घोड़ा जुटा हुआ ना हो तो वो धक्के खाता रहता छकड़ा इधर उधर, अगर घोड़ा जुटा हुआ हो तो। इसलिए शरीर चाहे कितना ही सुंदर, कितना ही युवा प्राप्त क्यों ना हो, कुछ मैं नहीं रखता। अगर आत्मा उसके अंदर ना हो तो, अगर भगवान की सत्ता इसके अंदर ना हो तो, उसको हम मुर्दा कहते हैं, उसे हम लाश कहते हैं, उसे हम और ऐसे दूषित शब्दों से पुकारते हैं जिससे भगवान ने अपनी सत्ता को निकाल दिया। तो मेरी और आपकी दृष्टि क्या, भगवान की सत्ता पर। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, भगवान की सृष्टि कैसी है, एक ही जवाब, जैसा कोई जिस नजरिया से इसको देख रहा। भगवान की सृष्टि कैसी, जो जिस नजरिया से देखता, जो जिस पहलू से देखता है, भगवान की सृष्टि हुई है। अगर हम भगवत पहलू से देखती है तो भगवत सृष्टि बहुत हो सकती है, और अगर हम भौतिक पहलू से देखती है तो सृष्टि फिर जितनी निंदा कर दो उतनी छोड़िए। जितनी अगर भौतिक पहलू देखा जाए, लेकिन निश्चित पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, जितनी निंदा करो उतनी छोड़िए। और अगर डिवाइन प्रियम से देखे तो जितनी नर्मा जाए उतनी छोड़िए। दोनों उल्टे हुए पड़े थे, देखा जाए भगवत दृष्टि बनाई जाए तो फिर जो दृष्टि उतना जाए। और फिर एक बात और भी है, इसमें बड़ी लागत की बात, क्या लागत की बात, अगर आप भगवत दृष्टि रखते जाती है, हाँ, तो हमारा मन भगवान में दिन प्रतिदिन और भी तलीन और भी तलीन और भी तलीन और भी तलीन, महाराज जी में और भी तलीन होता जाएगा, हम और भी हजूर के निकट पहुंच कर जाएंगे। अगर ये दृष्टि रख ली, क्योंकि प्रकृति का ये अटल नियम है, जैसा सोचोगे वैसा बनो, परमात्मा का सजनों ये अटल नियम। अगर हम भौतिक दृष्टि बनाएंगे तो फिर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में गलता हम देखो, बार बार ये कितना कमी है, ये कितना कमी है, ये कितना गंदा है, तो ऐसा सुनकर होते होते हमारे पर वही प्रभाव पड़ेगा।
और अगर दूसरी दृष्टि मेरे भगवान विराजमान है, बुद्धिमान संत की शक्ति वही शक्ति चला रही है, वही प्रभु भी इन सबके अंदर विराजमान है, वो कितने गुनगुना के कह रही है क्या देख पुनर्जन में हूँ आत्मा यकीन जो है जानदारों के दिल में वकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। हम चक्कर चलाने वाले की ओर देखना है, चक्कर को नहीं देखना। ध्यान देना, ध्यान देना कैसे घड़े और मटके और मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं। भगवान कहते हैं मत देखो, ये देखो कि कौन बना रहा है, कुम्हार, और वो आपका कौन है, पिता। बस कुम्हार की ओर देखो जो नाना प्रकार के बर्तन बना रहा, बर्तनों को नहीं देख रहा, कोई बर्तन छोटा कोई बड़ा कोई मोटा कोई कैसा। अगर इधर देखेंगे तो फिर जन्म पे जन्म होंगे, चूंकि किसी के साथ राग और किसी के साथ द्वेष लाजमी तौर पर हो जाएगा। अगर हम चलाने वाले की ओर न देखें, जो चीजें बना रहा है उनकी ओर देखे, अट्रैक्शन रिपल्शन या आपका रगबत और नफरत हुई के हुई के हुई। और इसी को भगवान ने सरदा भर के कहा है, इसी में तो अर्जुन ये खरकर तमाम परा गंदा रहती है यूं रुबाया, इसे राजनीति की दल दल के अंदर जीव आके तबाह हो रहा है। काट बचपन से पता लगता कि मैं भगवत दृष्टि बनाऊंगा, मैं भौतिक दृष्टि नहीं बनाऊंगा, मैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से संसार को देखूंगा, मैं क्या मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखूंगा। जब हम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है मन में हद मच जाती है, और जब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू भगवत दृष्टि बना के देखती है, भगवान की वो शर्त पूरी हो जाती है। सदा मेरा देहम जिसे ध्यान है तो मिलना मेरा उसको हक समय, चाहे माँ हो बाप हो बहन हो भाई हो, चाहे अपने गुरुदेव जी हो आचार्य हो, चाहे अपने पति हो पत्नी हो बच्ची हो, कोई भी क्यों ना हो, फिर तो हर एक हो गया, फिर तो हर एक मेरे और आपके लिए दर्पण का काम कर जाएंगे। हमें किसी ने कर्मों से मतलब नहीं है, हम तो दर्पण बनाएंगे हर एक को और उनमें अपने प्रभु को देखेंगे कि भाई क्या तो प्रभु रहे ना, हमें क्या होते कैसा कर रहे, कर जैसा करेगा वैसा भरेगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तब अभी भगवान की ये बात पढ़ाया जा रहा है, तमाम सर्वेश भूतेशु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, जो है कुछ नजर तो उसी की नजर, नजर में रही जिसकी परमेश्वर। महाराज जी की इस अत्यंत कल्याणकारी मधुर वाणी को और आज्ञा को अपने सिरों पर रख लो, सिर माथे पर रख लो, बड़ी चोटी की भगवान की ये आज्ञा है। जब भाई तुम इसको ना देखो, तुम ऊपरी दृष्टि नहीं बनानी, हमने भौतिक दृष्टि नहीं बनानी, हमने भगवत दृष्टि बनानी, हमें ये दृष्टि बनानी, चला कौन रहा है इनको, भगवान जी भगवान ही मेरे सर्वस्व, वही माँ रूप में, वही बाप रूप में, वही बहन रूप में, अगर ये माने तो फिर माँ कैसे मात की माँ है, वरना शक्ति तो भगवान की है, वो शक्ति आप गुण जाती है ऐनक से, ऐनक कितनी सुंदर, शरीर कितना सुंदर, और शीशा कैसे कटा हुआ है, 20 मिनट हो गए आपको ऐनक गुण जाते हुए, और ये नहीं देखते कि ऐनक द्वारा देख कौन रहा है, आपके कमल नेत्र, ऐनक तो कुछ ही नहीं है, ऐनक मीन फ्रेम एंड ग्लासेस, एनेक दो पार्ट है, फ्रेम और उसमें जो ग्लास लगे हुए हैं, ये दो चीज आप भूल गया जा रहे हैं। ये भी कहते हैं कि फ्रेम ये एक मीडियम है, इनसे आंखें देख रही हैं, आंखें इनके द्वारा देखती हैं दूर दूर तक, इसी तरह शरीर एनेक की तरह है जिनमें भगवान दूर दूर तक देखता। भगवान एनेक की दूर जाते रहेंगे, बड़ी भारी भूल, ऐनक किसके लिए, आंखों की रोशनी के लिए, हाँ शरीर किसके लिए, भगवान को निहारने के लिए, महाराज जी ने बनाया अपनी खुशी से बनाया, लेकिन शरीर कुछ सब कुछ नहीं है, जो इस द्वारा देखता है हमें उसको देखना, ऐनक की सब कुछ नहीं है, ऐनक हमने अपनी आंखों पे लगाई है, हाँ लगाई है देखने के लिए, इस तरह शरीर आए हैं परमात्मा को निहारने के लिए। ये मेरे स्वामी जी का दृष्टांत है, बड़े कमाल का है, सब क्या है, बड़ा गहरा होता है, ऐनक ऐनक के लिए नहीं, ऐनक हमारी दृष्टि के लिए है, ये शरीर शरीर के लिए नहीं, परमात्मा के देखने के लिए, परमात्मा के लिए आसिया काम करती है। हमें मतलब कोई, हमें तो कोई मतलब कितना फर्क पड़ता है, हाँ एक पत्नी को छू ले एक बहन को छू ले, देखने दोनों नारियां हैं, एक जैसा जिसम रखती है, कई दिन बच्चे कहते हैं ये क्या बना, ये भी क्या भाव भगवान कहते हैं, हर एक में देखो भाई असर कितना पड़ता है, नारी नारी दोनों है, एक बहन एक पति है, फर्क कितना, एक स्पष्ट करने में कैसा पति होता है और दूसरे स्पष्ट करने में क्या होता है, हाँ बड़ा भारी अंतर है। इसी तरह भगवत दृष्टि रखने से
क्या होगा और गौतम जी की लड़ने से क्या होगा, यही से कोई अंदाजा लगा, यही से मेरी बेटी अनुमान लगा के प्रेम से द्वार की बहा दी। दृष्टि में बड़ा भारी अंतर, एक 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 दृष्टि में पवित्रता ही पवित्रता है और एक दृष्टि में क्या है, दूषिता ही दूषिता। एक दृष्टि में प्रेम पना है, एक दृष्टि में क्या बिल्कुल निर्भर पना। आकाश को दुनिया में है ही क्या, सृष्टि है, ये सृष्टि कैसी है, कोई किसी से पूछता है बाबा जी सृष्टि कैसी है, जब आप एक जैसी तेरी दृष्टि है वैसी तेरी सृष्टि है। आप बच्चों के लिए सृष्टि कुछ और है, हाँ माताओं की सृष्टि कुछ और है, या कारोबार वालों की सृष्टि कुछ और है, यहाँ पर नजर लगाएंगे किसी सृष्टियां भगवान ने बनाई है, नहीं जी अपने अपना नजरिया है, निष्ठ नजरिया तो संसार को देखो, संसार वैसे नजर आने लगता है, इतने संसार है नहीं, कभी नारी संसार भी होता है, नर संसार भी होता है और बाल संसार भी होता है, इतने संसार थोड़ी, संसार इतने नहीं है, पर इस जो नजरिया अलग अलग, इसका दृष्टिकोण अलग अलग, एक ही ये सत्संग भवन की बिल्डिंग है, अगर अलग अलग एंगल से फोटो ली जाए तो बड़ा भारी अंतर होगा, बिल्डिंग इज द सेम, लेकर जो कैमरे वाला है वो अलग अलग एंगल से ले रहा, अलग अलग इस कोने से उस कोने से बैक साइड से फिर ऊपर जाकर के ऊपर से जो है फ्लैश डाल करके फोटो लेता है, बड़ा भारी अंतर होगा, बिल्डिंग इज द सेम लेकर एंगल इस वर्ल्ड इज द सेम एंगल, संसार भी अलग अलग रहेगा, ये है एक बिल्डिंग लेकिन अलग अलग एंगल से शॉर्ट स्नैप लेने से इसकी फोटो भी अलग अलग आएगी। हाँ तो हमें क्या आज्ञा है, ओके तुमने अपने कल्याण करना है ना, तुमने काम बढ़ाना नहीं, रोल बढ़ाना नहीं, लोग बढ़ाना नहीं, हाँ अगर काम बढ़ाना दृष्टि क्या बनेगी, कामक दृष्टि कितनी बन जाती, कितनी कामक दृष्टि बनती है गंदी नर नारी के जरिए, और क्रोध बढ़ाना तो बड़ी गंदी दुनिया है, बड़े कुछ नहीं है, ये है वो है, बड़े नाचती है, लंपट है, कमी है, क्रोध बढ़ जाएगा, अगर लोग बढ़ाना तो लो बढ़ता जाएगा, लोग पर मानना तो लो बढ़ता जाएगा, अगर हंकार बढ़ाना तो क्या समझता है मुझे, है भला किसकी ताकत है किसकी मजान, मुझे समझता क्या है, भला कौन होता है मेरा हरीफ, तो भगवान ने ऐसे खूब वर्णन किया, उससे क्या होगा, अपनी कमाई होगी, अपनी खराबी होगी, और अगर दूसरी दृष्टि बनाया जाए भगवान कहते हैं क्या इनमें है क्या, इसलिए तो भगवान कहते हैं मुझे इससे मतलब कुछ नहीं, मुझे इससे क्या सरकार, मुझे कोई मतलब नहीं, इससे क्या आज भगवान ने रहने दिया तो इस मल मूत्र से थैली नहीं रहता, मल मूत्र मज्जा हड्डियां और खून और वीर्य इसके अंदर रहने था, हमें शुक्र गुरुदेव कहते हैं ज्यादा इसके दिहाई में न जाओ, मिल जाए हीरा आपको, चुम चुम इन शब्दों को लिख के चुम लो, छाती से लगा लो, मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा चित्र में, बेटी मिल जाए हीरा आपको और वो पड़ा कीचड़ में हो, लोगे नहीं लोगे कहो है कौन को लेता है, मरे कीचड़ के अंदर सही, गोदरी में सही, पर गोदरी में है क्या लाल, कीचड़ में क्या है हीरा और लाखों का हीरा, बस भगवान के प्यारे उस कीचड़ के अंदर आत्मा को निहारते हुए अपना कल्याण करता है। जय भगवत गीता, भारत में ले चलता हूं। एक दिन जबकि हमारे धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी महाराज इंद्रपुरी में महाराजा बने हुए थे, तो क्या हुआ, बारी बारी ये नियम बना हुआ था कि भाई द्वारपाल बनेंगे, बारी बारी जैसे द्वारपाल आपके मंदिर के बदलते रहती हैं, तीन द्वारपाल हैं, आठ आठ घंटे ड्यूटी देते रहते हैं, इसी तरह वारी वारी बदलते हैं। उस वक्त जबकि ये घटना मैं सुना रहा हूं, भीमसेन की वारी थी, भीमसेन अपनी बारी पे डट के खड़े हैं, क्या हुआ, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं, वो अपने काम में बहुत व्यस्त थे, कोई विशेष बात थी जिन पर उन्हें विशेष समय लग रहा था, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज धर्मपुत्र युधिष्ठिर जी को तो जुटे हुए हैं। इतने में एक निर्धन ब्राह्मण द्वारपाल भीमसेन के पास आया और प्रणाम किया, भीम जी ने कहा, ब्राह्मण थे, चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया,
आपके बड़े भैया को मिला चाहूं धर्मराज को, जरूर धर्म प्रतिष्ठ जी को जाइए। महाराज मैं निर्धन ब्राह्मण हूं। धर्मपुत्र जी ने ऊपर देखा, मैं कुछ याचना करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, मुझे क्षमा करिएगा, कल जरूर आइए, इस समय मैं इतना काम में राजकीय काम में व्यस्त हूं कि इधर से मन हटाना मुश्किल हो रहा है, कल आकर के ये मैं बात आपकी कर देंगे। ब्राह्मण आश्वासन लेता हुआ चल पड़ा। महाराज अभी तो आप गए थे और अभी आप लौट आए, भीमसेन पूछे बिना रह नहीं सके। हाँ बेटे, आपके भैया एक विशेष काम में व्यस्त हैं, कल उन्होंने कहा आइएगा और आपके भावना पूरी कर दी जाएगी। अच्छा बहुत, फिर क्या था, धुन भी बजाने वालों को, नगारे बजाने वालों को और भी यंत्र बजाने वालों को तो बाप ही बाप ने बुला लिया और विजय का डंके बजने लगे। विजय डंके वो बज रहे थे, दुंदभियां और विजय और ढोल, जबकि कोई युद्ध जीत के आता है। बड़ी जोर का शोर घोल हुआ, सारी जनता निकल आई कि ऐसा कौन सा युद्ध हुआ जो जीत के आ रही है ये। बड़ी जोर का शोर, और बजाओ और बजाओ और बजाओ। युधिष्ठिर जी के कानों में आवाज गई, भीम महाराज जी, अरे ये क्या बजा रहा है? महाराज विजय के डंके बज रहे गए, कौन सी विजय हुई है तुझे, क्या हो गया? महाराज बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। महाराज ये विजय के डंके बजाओ रे, अरे मेज, अरे और बजाओ, विजय के डंके बजने दो। वो जोर मारे जा रहे हैं, वो कहते हैं धर्मराज, धर्मपुत्र कहते हैं अरे भाई बंद करो, अरे नहीं, अरे और बजाओ। भीम तुझे आज क्या भया? भैया कुछ नहीं, मुझे बड़ी खुशी है, आज आपने विजय प्राप्त कर ली है। अरे मैंने विजय, कौन सा युद्ध करके आया हूं, कहां है अस्त्र शस्त्र, कहां है सेना? महाराज ने विजय प्राप्त कर लिया, अरे बजाओ। वो कहते हैं बंद करो, कहते बजाओ, और बड़े जोर जोर के बज रहे हैं, बड़े जोर के। आखिर में युधिष्ठिर ने अपने बालों को पकड़ा, भीम मेरी दिमाग को कुछ हो जाएगा, मेरी बुद्धि हिल जाएगी, मुझे बता क्या विजय? महाराज आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, काल आपके हाथ में मुट्ठी की तरह आ गया है। अरे नहीं, कैसे नहीं भैया, आपने ब्राह्मण को कहा है कि कल आना, तो कल तक तो काल नहीं आपको पकड़ सकता। ताना था ताना, मेरे भैया ने कल तक काल पर विजय प्राप्त कर ली है, पहली बार जीवन में धर्मपुत्र ने कानों को पकड़ा, गिन गिन के लकीरें खींची। भीम तूने मुझे बता लिया, काल से विजय कौन प्राप्त कर सकता है, काल तो महाबली है, सचमुच मुझे क्या पता है कि कल मेरे जीवन में आना है कि नहीं आना। मैंने महापुरुषों के शब्दों का उल्लंघन कर दिया, शुभ से शीघ्रम, जो शुभ काम है उसमें देरी ना करो, पता नहीं वो समय फिर आए या ना आए, बुलाओ बुलाओ, वो याचक कहां है, बुलाओ। तपत शाही आदमी भागे और ढूंढ निकाला, अरे भैया तूने मुझे बचा दिया, भले काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, याचक को कभी लौटाना नहीं चाहिए था, मैंने कल तक कहा, कल नाम काल का, कल नाम काल का, सचमुच तूने ठीक कहा भैया। फिर मैंने तो कहा भी मेरे भैया ने काल पे विजय प्राप्त कर ली है, इससे बड़ी और विजय क्या हो सकती है, ये बड़ी भारी विजय थी जो मेरे धरती पे रहने वाले भैया ने, मृत्यु लोक में रहने वाले भैया काल पे विजय प्राप्त कर चुका है। अरे नहीं रे भैया नहीं, उस वक्त जिष्टर भुजा बुलंद करके कहता, सजनों मेरे और आपके लिए और भारत में आने वाली पीढ़ियों के लिए, भुजा बुलंद करके कि भला हो मेरे छोटे भैया भीम का, जिसने मुझे बता दिया कि भले काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए, वरना जीव को पश्चाताप करना पड़ता है, भले काम में देरी करते 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 कईयों को रोना पड़ा, रावण को रोना पड़ा, मैं स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना दूंगा, बनाऊंगा बनाऊंगा, कभी ना बना सका, मैं बहुत बिजनेस करूंगा, जो गादा का पाठ कर रहे हैं वो कभी नहीं करेंगे, मैंने इतना पढ़ना है कि मैरिट में आए बिना रहूंगी नहीं, पढ़ना है नहीं, मैं पढ़ के दिखाऊंगी नहीं, शुरू कर दो, अगर आपने गा लगाया तो मन को मौका मिल जाएगा, मैंने साधना रंग के करनी है, ये कहने वाले कभी करा नहीं करते, जो गरजती है वो बरसा
नहीं करती और बरसने वाले कभी गर्जा नहीं करते। आप सुनते भी हैं वॉकिंग डॉग सर्डम वाइट कुछ फोन करे गा कर लग गया तो मन को मौका मिलेगा। सिगरेट पीने वाले हम छोड़ देंगे ये खा गया गे और गा। शराब पीने वाले हम छोड़ देंगे हम सत्संग में आ रही है छोड़ देंगे वो दिन आना ही नहीं। ए भगवान की कसम छोड़ दिया। शुभस्य शीघ्रम काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले हो गई फिर करेगा कब। पुत्र ले लेना बड़ी भारी शिक्षा धर्मराज दे रहे गए युधिष्ठिर कि मेरे से भूल हुई आने वाली भारत की पीढ़ियों कभी ना भूल करना शुभ काम को तत्काल कर लो शुभ काम को तत्काल कर लो। ये ना कहो मैं कल पे डालूंगा कल पे करते रहोगे तो वो फिर आगे 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 होता जाएगा और वो समय निकलता चला जाएगा। अति सुंदर बड़ों की बड़ी बातें बढ़िए मेरे साथ आगे। भृगु ऋषि के चरणों में मेरा और आपका प्रणाम हो। भृगु ऋषि हमारे भारत में सतयुग में बड़ी चोटी के तपस्वी हुए हैं सजनों और मेरी माताओं और मेरी नेक बेटियों। एक बार वो बड़ी गहरी समाधि में गए और नारायण को शेषनाग की सैया पर लेटे हुए देखा और ये भी देखा कि लक्ष्मी भगवती उनके श्री चरणों को पलोटे जा रही हैं और नारायण अपना एक हाथ रखे हुए ऐसी मुद्रा में है जैसे कि सो रहे हो। कुछ समय के बाद फिर वो समाधि में गए तो नारायण को इसी मुद्रा में देखा। कुछ समय के बाद फिर गए तो नारायण को इसी शेषनाग पर लेटे हुए और लक्ष्मी जी को पांव दबाते हुए देखा। क्रोध आ गया भड़क उठे नहीं करेंगे हम समाधि नहीं लगाएंगे नारायण का नाम नहीं जपेंगे नारायण का नाम बताएंगे नारायण को भी ढूंढ निकालूंगा नारायण को अपने तप के प्रताप से। ऐ मेरे तप अगर मैंने सच्चाई के साथ तप किया है तो मुझे नारायण के दूर दूर खड़ा कर देना। नारायण के सन्मुख हमारे भृगु ऋषि खड़े हुए दिखाई देने लगे। नारायण नमस्कार लेकिन वो तो शयन में है। नारायण जी नमस्कार कह रहा हूं तीसरी बार। नारायण आपका ध्यान लगा के हम मर गए आपके लिए हड्डियां तोड़ा दी आपके लिए घर बार छोड़ दिया आपके लिए त्याग कर कर करके हमने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। जो आपने निर्विकल्प समाधि कही है वो हमने मुट्ठी में बंद कर ली है। हमने भूख सहन की हमने गर्मी सहन की हमने रात की नींद को टुकड़े कर डाले हमने थोड़े कपड़े पहन करके आपको प्रणाम किया आपको खुश किया आपके दर्शन किए और आप समाधि में बैठने की बजाय सोते ही रहते हैं और सुस्ती का पैगाम देती है। क्या ये आपको शोभा देता है कि हर समय एक नारी बैठी रहे और आपके चरणों को दबाती रहे ये अच्छा लगता है क्या। आ देखा ना ताओ जोर की क्षमा करना मुझे नारायण भी क्षमा करे मेरे इष्टदेव है। एक लात जड़ दी उनके वक्षा स्थल पर छाती पर एक जोर की लात मारी। नारायण की खुली आंख महाराज चरणों को पकड़ लिया। मेरा वक्षा स्थल तो वज्र के समान है आप बड़े कोमल ऋषि है मैं इनको दबा दूं। प्यार से दबाने लगे अरे छोड़ कहीं के छोड़ दो। लक्ष्मी ने कहा महाराज ये ब्राह्मण भृगु ब्राह्मण थे अब भी आप कहा करती हैं कईयों के जो है गोत्र भृगु ऋषि से मिलते हैं। महाराज ये कौन बहुत तपस्वी है तो क्या हो गया। लक्ष्मी बिगड़ गई मेरे होते हुए त्रिलोकीनाथ नारायण को लात लग रही है और नारायण मुस्कुरा रही है ये क्या बात। भृगु से ज्यादा बिगड़ गई लक्ष्मी और आप कुछ कह नहीं रहे आप इतनी ताकत के मालिक इतनी शक्ति के मालिक
और आप हंसते जा रही है, मुझसे नहीं सहन हो पाता, मैं कुछ साफ भी के छोड़ूंगी। भृगु, अरे जाने वाले भृगु, मैं नहीं आता, जो मैंने करना था अपना क्रोध मट्ठा कर लिया है, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। पास्ट टाइम कैन नेवर बी रिकॉल्ड। ओ शाबाश, अब जा रही है भृगु, पर मेरी बात सुन ले, रुक्त रह गए नारायण, लक्ष्मी शांत रहे। भृगु तू मेरी बात सुन ले, नीचे मुड़कर देखा, हाँ भगवती, तूने ब्राह्मण होकर नारायण की छाती में लात मारी है, आज के बाद मैं ब्राह्मणों के घर में कभी नहीं आया करूंगी। तब से लेकर ब्राह्मण आज तक बेचारे गरीब ही चलते आ रहे हैं। आम तौर पर देखोगे ब्राह्मणों की बस रोटी दाल तक की बात रह जाती है, आगे बात कोई एक आध विस्तार ना देना, मैं आम बात मेजोरिटी की करता हूं। मेजोरिटी देखेंगे ब्राह्मण बस लाल कपड़े तक और रोटी दाल तक। जब तो कन्या का विवाह करना होगा फिर आपके दर पर तो निहाल चंद जी आएंगे ही और कहेंगे कि कपड़ा बहुत पड़ा है निहाल चंद, दो चार थान दे दे, तेरा कुछ बिगड़ना नहीं, मेरी लड़की का विवाह हो जाएगा।